औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आप देख रहे हैं हमारा इस्लामिक यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे इस्लामिक यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे इस्लामिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आज का हमारा मौजू है मजबूर औरत। एक खातून ने दुकानदार से दरख्वास्त की कि मुझे कुछ खाने पीने की अशिया कर्ज पर दे दें। जब मेरे शोहर को अल्लाह शिफा बख्शेगा तो मैं आपके सारे पैसे अदा कर दूंगी। दुकानदार ने रुकेपन से जवाब दिया कि यह दुकान है, कोई खरीद खाना नहीं, जाओ कहीं और से भीख मांगो। इस दुकान में एक ग्राहक यह सब सुन रहा था। उस ग्राहक ने दुकानदार से कहा कि वो खातून खाने पीने की जो अशिया मांग रही हैं दे दें, ऐसे मैं अदा कर दूंगा। दुकानदार की ये बात सुनकर शर्मिंदा हुआ और खातून के सामने कागज़ और कलम रख कर कहने लगा, मैं एक शर्त पर तुम्हारी ज़रूरत की अशिया दूंगा, तुम इस कागज़ पर कुछ लिख दो और तराजू के पल्ले पर रख दो। तुम्हारी तहरीक का जितना वजन होगा उतना सामान मैं तुम्हें मुफ्त दे दूंगा। खातून ने कागज़ और कलम उठाया और उस पर कुछ लिखा और कागज़ को बंद करके तराजू के पल्ले पर रख दिया। दुकानदार की आंखें हैरत से खुली रह गईं जब उसने देखा कि कागज़ वाला पल्ला नीचे चला गया। दुकानदार ने तराजू के दूसरे पल्ले पर औरत की ज़रूरत की अशिया रखना शुरू कर दी और आहिस्ता आहिस्ता दोनों पल्ले बराबर होने लगे। जब दोनों पल्ले बराबर हुए तो दुकानदार ने सामान खातून के हवाले किया और दुकान से बाहर निकल कर खातून ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। दुकानदार ने उसके जाने के बाद जब दुकानदार ने कागज़ खोल कर पढ़ा तो उस पर यह मुख्तसर जुमले लिखे हुआ था कि ए मेरे प्यारे परवरदिगार, तू मेरी ज़रूरियात से आगाह है और तू ही इसे पूरा फरमाएगा। अल्लाह ताला हमें हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट्स करके लाजमी बताएँ और वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा इस्लामिक यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके।